नाज़रीन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी। सूफीज्म के बारे में अगर बात हो तो आपके ज़हन में फौरन क्या आता है? ईमान, तवक्कुल, मुराकबा या मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सूफी दरवेश? डिक्शनरी सूफीज्म का मतलब बताती है वो लोग जो मुराकबे और जिक्र के जरिए खुदा से करीबी ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। आज का शो सूफीज्म की रिवायात और इस पर अमल करने वालों की कहानियों के नाम। आप देखेंगे के पाकिस्तान से हजारों मील दूर अमरीकी नौजवानों का एक ग्रुप एक पाकिस्तानी कवाल को ट्रिब्यूट क्यों पेश करता है? मिलिए सूफीज्म की एक तारीखी रिवायत पर अमल करने वाले अमरीकियों से, सूफीज्म जिनकी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान में सूफियाना रिवायत का हाल और मुस्तकबिल एक खास रिपोर्ट में। अगरचे सूफियानी रिवायात किसी जहीरी इजहार की मोहताज नहीं, लेकिन समा या कवाली सूफियाना रिवायात के बगैर कुछ भी नहीं। हाल ही में एक मशहूर अमरीकी कवाल ग्रुप फना फिला ने पाकिस्तान के नामवार कवाल मरहूम अमजद साबरी को खिराज तहसीन पेश किया है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस इवेंट का मकसद अमजद साबरी की लेगेसी और कवाली की रिवायात को बरकरार रखने के साथ साथ पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों को कवाली से रोशनास कराना है। नीलोफर मुगल आपको लेकर जा रही है वाशिंगटन डीसी में वाके जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जहां पर कवाली की ये तकरीब मुनक्किद हुई। चेक दिस आउट। When I wake up, I thought Kavali, every time Kavali, Kavali, Kavali. It's really an opportunity to empower the tradition and give thanks. ये हमारे लिए एक एजाज की बात है कि आज हम यहाँ अमजद साबरी को खराज पेश कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक हकीकी मौका है कि हम कव्वाली की रवायत को एक ऐसे लम्हे बरकरार रखने की कोशिश करें जब अमजद साबरी हम में नहीं। ये एक ऐसा मौका है कि हम दुनिया और अपनी कम्युनिटी को मौसीकी के जरिए ये दिखा सकें कि हम कव्वाली की इस रवायत से कितनी मोहब्बत करते हैं। ताहिर हुसैन फरीदी कवाल अपने ग्रुप फना फी अल्लाह के साथ कई बार पाकिस्तान में कवाली मास्टर उस्ताद अमजद साबरी से मुलाकात कर चुके हैं। वो और अमजद साबरी गुज़िश्ता कई बरसों से एक दूसरे को जानते थे। मैं और अमजद साबरी एक दूसरे को गुज़िश्ता 15 सालों से जानते थे। कव्वाली के बड़े इज्तिमात खास तौर पर पाक पतन में बाबा फरीद गंज चकर के उर्स पर उनसे मुलाकात होती थी। वहाँ पर बड़े बड़े कव्वाल आते थे और हमारी अच्छी मेज़बानी करते थे। गुज़िश्ता कुछ सालों से उस्ताद अमजद साबरी हमारे शोज में भी आते थे। कव्वाली की दुनिया में बहुत ही कम तादाद में ख्वातीन तबला नवाज का नाम सुनने में आता है। आमना का नाम भी इन गिनी चुनी ख्वातीन में शामिल है जो फना फी अल्लाह ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। ये तकरीब हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम अपने पसंदीदा उस्ताद अमजद साबरी को खिराज पेश कर रहे हैं। वो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी तालीमात हमारे साथ हैं। साबरी एक अजीम कवाल थे। हमें उनके इस दुनिया से जाने का दुख है। हम खुश नसीब हैं कि उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। ये तकरीब इस लिहाज से हमारे लिए बहुत अहम है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस इवेंट का मकसद अमजद साबरी की लेगेसी और कवाली की रवायत को बरकरार रखने के साथ साथ
लोगों को ये बताना भी है कि इस्लाम अम का मजहब है, क्योंकि कवाली कई मजाहिब में रूहानियत के इजहार का एक तरीका है। ये इस किस्म का फ़न है जो इस्लाम से जुड़ी बहुत सी गलत फहमियों की नफ़ी करता है। हमने अमजद साबरी को खिराज पेश करने के लिए फना फिल्लाह का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि जदीद दौर का ये बैनुल अक्वामी ग्रुप उस फन को लेकर आगे बढ़ रहा है जो भारत और पाकिस्तान की एक कदीम रिवायत रही है। कबाली मुसलमानों के दिलों के बेहद करीब है। हम अपने मुल्कों से दूर हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये लोग ये रिवायत लेकर हम तक आए हैं। मुंतजमीन ये भी कहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स का मकसद अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी अमरीकी नौजवानों को कवाली जैसी रिवायत से रोशनास कराना है ताकि मुस्तकबिल की नस्लें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा होने पर फख्र करें। इस तकरीब में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की जो उर्दू बहुत कम जानते हैं या बोल पाते हैं। ये इवेंट बहुत अच्छा है और अमजद साबरी के एजाज में एक तकरीब मुनक्कित करना और इन्हें खराज पेश करना बहुत बेहतरीन कोशिश है। ये तकरीब बहुत अहम है क्योंकि अमजद साबरी और उन जैसे दीगर कवाल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। उनको खराज देने का मकसद कवाली की रिवायत को बरकरार रखना है। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेशली अभी भी अमजद साबरी मतलब ही जस्ट पास्ट अवे और उनके लाइक ही सच ए लेजेंड, तो उनके लिए लाइक उनके लिए इतना बड़ा ट्रिब्यूट हो रहा है तो लाइक कवाली में उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इवेंट जा रहा है जी, मैं इस तरह के मजीद इवेंट्स होने चाहिए और मैं इस तरह हमारे कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं अपना। कवाली के मुस्तकबिल के हवाले से फनाफी अल्लाह का कहना है कि ये फन सैकड़ों सालों से जारी है और उम्मीद है कि कवालों की आइंदा नस्ल इस रिवायत को बरकरार रखेगी और इसे इतना ही पसंद किया जाएगा जितना ये पहले थी या अब है। पाकिस्तान अपने आर्ट के जरिए अपना टैलेंट वाशिंगटन डीसी में पेश कर रहा है। अब इसी पाकिस्तानी टैलेंट को हम फॉलो करते हैं पाकिस्तान तक न्यूयॉर्क के एक टूर के जरिए। इसका क्या मतलब है दिखाती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा फना फिल्ला नामी एक मशहूर कवाली ग्रुप को अमेरिका में परफॉर्म करते हुए। आखिर ये ग्रुप शुरू कैसे हुआ, इसको बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है और सबसे बढ़कर ये कि इस ग्रुप के बानी अमरीकी होते हुए सूफियाना और कवाली की रिवायात से कैसे मुतासर हुए। मेरे साथी शहजाद ने ये और दूसरे बहुत से सवाल रखे फना फिल्ला के ग्रुप मेम्बर्स के सामने अपने न्यूयॉर्क के ट्रिप में। आप भी देखिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या आप रास्ता हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, हिप्पी हैं या कुछ और मेरा जवाब होता है कि मैं इन में से किसी भी जमरे में नहीं आता। एक सूफी को आप इन दायरों में कैद नहीं कर सकते। ये दायरे आपके नजरियात और तजुर्बात को महदूद कर देते हैं और वैसे भी जिंदगी तो पहले ही बहुत से खानों में बटी हुई है। इंसानियत तकसीम दर तकसीम का शिकार है और सूफियत का पैगाम यही है कि इंसानों को आपस में जोड़ा जाए। You know, that's really the real meaning of tasawwuf, that's the real meaning of mysticism that connects all religions together. ताहिर हुसैन फरीदी कवाल।
Qawwali is a call. It's a divine utterance. Qawwali ghaib se aane wali ek sada ki manand hai. Is tarah ki mausiqi ki khasiyat ye hai ki ye na sirf dilon ko jodti hai balki isme aisi kashish hai jo dil ki duniya badal sakti hai. Aur isi cheez ne mujhe qawwali ki janib mutawajjih kiya. Through music, so that's what really brought me more specifically into the qawwali field. When I was 18 years old and living with a silsila. Jab main 18 saal ka tha to mera taaruf tasawuf ke ek silsile se hua. Wo log bhi meri tarah ruhaniyat ki talash mein the. Unke saath milkar maine zikr, namaz aur rozon ka ehtimam shuru kiya. In sab cheezon ne mujh par bahut asar dala. خاص طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے سے میں بہت متاثر ہوا کچھ عرصے کے بعد اپنے شیخ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کر کے تصوف کے سلسلے میں داخل ہو گیا انیشیشن انٹو تصوف انٹو صوفیزم اینڈ انٹو اسلام آئی واز ڈیپلی فرسٹ مووڈ بائی دی پاور آف دی میوزک آف قوالی دی ڈیووشن اینڈ دی پیشن سب سے پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ قوالی کی موسیقی تھی اس میں جو اخلاص اور وارفتگی ہے اسے بیان کرنا مشکل ہے اور پھر جب میں نے صوفی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھیے کہ مجھ پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا ابتدا میں نے حضرت امیر خسرو کے ایک کلام سے کی اور اس کے باوجود کہ میرے سامنے اصل کلام کا انگریزی ترجمہ تھا اس نے مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالا بطور قوال میرے سفر کا آغاز سن 2002 میں ہوا تھا جب میں اس فن کی باقاعدہ تعلیم کے لیے پاکستان گیا میں نے وہاں راحت فتح علی خان استاد دلدار حسین اور فیصل آباد کے استاد مہر علی اور شیر علی سے قوالی کی تعلیم حاصل کی ویسے تو میں اب بھی ایک طالب علم ہی ہوں جو ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے the blessing to really spend a lot of quality time with the masters of qawwali over the last 20 years or so mujhe pichle 20 barson ke dauran qawwali ke mahir ustadon ke sath khasa acha waqt guzarna naseeb hua sach baat ye hai ki wo sab bahut munfarid fankar hain jinka ek alag tareeqa zindagi hai بالکل ویسے ہی جیسے ان کی شخصیات بہت متحرک ہوتی ہیں جیسے کہ میرے استاد شیر علی خان نہ شراب پیتے ہیں نہ سگریٹ اور پنج وقتہ نمازی ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو بھی قوالی سکھا رہے ہیں اور جب وہ گاتے ہیں تو آپ کو ان کی گائیکی میں ان کی شخصیت کی پاکیزگی اور عقیدت ملتی ہے لیکن وہ بہت سخت استاد ہے اسی طرح میں نے استاد معظم علی خان کے ساتھ بھی بہت وقت گزارا ہے وہ میرے ہم عمر ہیں ہم پوری پوری رات راگوں کی مشق کیا کرتے تھے اور زندگی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے یہ ایک بہت خوبصورت تعلق تھا اگرچہ اب وہ قوالی کی روایت کا ایک بڑا نام بن چکے ہیں Even though is becoming a legendary master of the tradition and in the same way each qawwal is unique also spent a lot of time with Amjad Sabri main Amjad Sabri ke sath bhi raha aur unhe maine qawwali par apni dastavezi film mein bhi shamil kiya tha humne is dastavezi film ke liye unka interview kiya tha them to perform qawwali in front of the camera so connected with them in that setting professional setting as well as seeing them at the dargahs I really devoted my path in this way because of what my ustad mujhe lagta hai ki main is fun mein puri tarah doob gayi hu aisa shayad is wajah se hai ki mere ustad ne mujhe kaha ki batour mausikar na aap mard hote hain na aurat balki aap sirf ek fankar hote hain aur batour sufi mausikar aapki zimmedari bas itni hai ki aap apne fun se ye wazeh kar dein ki hum sab ki ibtida ek hi hai aur hum yahi paigham aam kar rahe hain and this is the essence of the message we want to carry through
the Sufi music. हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे ग्रुप में तबला नवाज एक खातून होंगी, लेकिन आमिना चिश्ती की लगन और सूफी मौसीकी से उनकी मोहब्बत ने खुद ही उनके लिए जगह बना दी। माशाल्लाह मुझे कई तारीखी और मुकद्दस मकामात पर अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिला। ये इस बात का इजहार है कि इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। Men and women may be able to actually partake in the, at the same job. Maybe there wasn't a woman at in all the history. शायद इससे पहले इस फन में कोई खातून ना आई हो, लेकिन मेरे उस्ताद ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जब कई खवातीन सूफी कलाम गा सकती हैं, तो एक औरत तबला क्यों नहीं बजा सकती। ये जो तबला आप देख रहे हैं, ये खास सूफी तर्ज की मौसीकी के लिए बना है। यही वो साज है जो आपको कवाली के दौरान वज्द में लाता है। People often ask us why is the name of your qawwali ensemble Fana Fillah. लोग हमसे पूछते हैं कि आपने अपने ग्रुप का नाम फना फिल्ला क्यों रखा? इसका नाम ताहिर हुसैन फरीदी एंड पार्टी क्यों नहीं है, जैसे कि आम रिवाज है। फना फिल्ला का मतलब है कि अपनी जात को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर देना, मिटा देना। Love that realization of the ultimate unity of existence. In many ways पैगाम को कई तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे ये इंसान की खुदा की उस मोहब्बत के लिए अकीदत का इजहार है जो खुदा अपनी मखलूक से करता है। ये लोगों को अपने खालिक से जोड़ने की सदा है। कव्वाली सूफी कलाम में जिंदगी की लहर दौड़ाने का नाम है। के सफर की कहानी देखी आपने। अब चलते हैं जहां ये सफर शुरू हुआ था, पाकिस्तान। For real this time though. लेकिन first एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से पहले आपने मुलाकात की एक अमरीकी कवाल ग्रुप से, जिनकी शुरुआत में उस सरजमीन का बड़ा रोल है पाकिस्तान, जिसका एक अहम हिस्सा है। आज उस सरजमीन पर सूफियाना रिवायात को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? क्या सूफियाई कराम की सरजमीन कहलाए जाने वाले इस मुल्क में उन्हीं सूफिया को चाहने वालों की तादाद में कुछ कमी आई है? इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की है कराची से हमारे नुमाइंदे साउद जफर ने अपनी इस रिपोर्ट में। बर्र सगीर पाक व हिंद को सूफिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसकी तारीख 1000 साल से भी ज़ायद अरसे पर मुहित है। इस खित्ते में इस्लाम को फैलाने और इस्लामी तालीमात को आम करने में सूफिया कराम का जो किरदार रहा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। प्रोफेसर ताहिर मसूद कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा थे दिल्ली में, ठीक है, अब लोग आ रहे हैं और उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बैठते जा रहे हैं, यहाँ तक कि छत खत्म हो गई और उसके बाद छत और साहिबान के बाहर लोग धूप में बैठे हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गुफ्तगू करते करते रुकते हैं और कहते हैं, भाई आप लोग ज़रा साए में आ जाइए, साए में आ जाइए। लेकिन ज़ाहिर है साए में जगह नहीं थी, तो कहाँ से आते लोग। तो आपने बेकरार होकर ये कहा कि भाई धूप में तुम बैठे हो, जल में रहा हूं। तो देखिए, ये जो मोहब्बत का पैगाम था ना, इसकी वजह से लोग फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस दीन की तरफ आए। जहां पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले सूफिया कराम के मजार इस सरजमीन पर उनकी तारीख के निशान हैं, वहीं कव्वाली या महफिल समा की रिवायत उनसे अकीदत रखने वालों की मोहब्बत की मजहर। गुजारे नहीं होते हम जा
हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हमारे बुजुर्गों ने अपना अपना टाइम अपना अपना काम किया है और हम ये 800 साल हो गए तकरीबन महफिल समा को ना ख्वाजा गरीब नवाज को, तो ये हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है जिससे जो काम अल्लाह को लेना होता है, सुना सुना के गमेश के फसानों को दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये जिक्र तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, सरकार जो है रहमतल आलमीन है और उनका जिक्र करने के तरीके, उनको याद करने के, उनकी महफिलें सजाने का, और महफिल समा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगरचे अफजल साबरी जैसे अकीदतमंदों की अकीदत अपनी जगह कायम है, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इन जैसे बहुत से अकीदतमंदों की जानें इंतहा पसंदी और इसके नतीजे में जन्म लेने वाली अदम बर्दाश्त की भेंट चढ़ चुकी हैं। ये क्यों ने धमाके, कभी किसी खुदकुश हमलावर जो पकड़ा गया उसका कोई नफ्सियाती तजिया किया गया, किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया उसको कि ज़रा गौर तो करें कि इस आदमी के अंदर वो सख्त कल्ब की ऐसी सख्ती किसने पैदा कर दी कि वो खुद अपनी जान के साथ साथ हज़ारों बेगुनाहों की जान लेने पर तुला हुआ है। ये सारी शकावतें कल्बी का नतीजा है, कल्ब की सख्ती का नतीजा है और ख्यालात की गुमराही का नतीजा है। जहाँ प्रोफेसर ताहिर मसूद इंतहा पसंद सोच को सूफीज़म के बर्दाश्त और तहम्मुल के पैगाम से मुतसादिम और इसके लिए एक ख़तरा समझते हैं, वहीं वो एक और रवैये और सोच को भी इसके लिए एक चैलेंज समझते हैं। ये इकोनॉमिक्स ऑफ रूलर डिमांड और सप्लाई का, ठीक है ना। पहले माशरे के लोग जो है ना अपने आप को इनकम्प्लीट समझते थे, काबिल इसलाह समझते थे, तो वो किसी मुर्शिद की तलाश में किसी खानकाह में जाके अपना हाथ दे देते थे कि साहब मेरी इसलाह कर दीजिए, मेरे अंदर जो यूब हैं, बातनी यूब हैं, खराबियां हैं, इनको दूर कर दीजिए। तो फिर वो मुर्शिद तवज्जो करके और तरबियत करता था और दूर, मसलन किसी के अंदर ये देखा गया भाई तकब्बुर है, हाँ तकब्बुर है इसके अंदर, ये अपने आप को समझता है, तो कहते थे कि जाओ जाके मस्जिद में नमाजियों की जूतियाँ सीधी करो। तो एक हफ्ते जूतियाँ सीधी करने के बाद तकब्बुर वैसे निकल जाता था। तो इस ये तरीका इस्लाह था, अमली प्रैक्टिकल, ठीक है ना, प्रैग्मेटिक अप्रोच थी उनकी। अब हर आदमी अपने आप को मुकम्मल समझता है, बल्कि 30 बार खां समझता है और कहता है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, मुझसे ज़्यादा कौन मजलूम है, मुझसे ज़्यादा क्या कहते हैं कौन ज़रूरतमंद है, वगैरह वगैरह। अपने बारे में एक ईगो प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि हर आदमी जो है ईगोइस्ट हो गया है, हर दूसरा आदमी, ठीक है ना, और वो अपने आप को काबिल इस्लाह समझता है, नहीं समझता है दूसरे काबिल इस्लाह हैं, दूसरों की इस्लाह होनी चाहिए, दूसरे ठीक होने चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब तलब ही ख़त्म हो जाएगी तो इदारे भी ख़त्म हो जाएंगे। वो इदारे क्यों रहेंगे जहाँ कोई इस्लाह कराने के लिए जाता ही नहीं। एक तहकीक के मुताबिक पिछले 10 सालों में सूफिया कराम के मज़ारों पर होने वाले हमलों में कम अज़ कम 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन हमलों के नतीजे में यहाँ आने वालों की तादाद में तो कमी ज़रूर आई है, लेकिन इनसे मोहब्बत करने वालों में नहीं। शो के लिए दैट्स अ रैप। आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, जरूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।